एक्चुअली बहुत ही अटैच्ड हूँ मैं अपने मॉम से. डांसिंग भी उनकी क्वालिटी है जो मुझ में आई है. मेरे पापा डांसर नहीं है बट मेरी मम्मी को गाना और डांस करने का बहुत शौक था. वो फुलफिल नहीं कर पाई बट उन्होंने मुझ पे ये टैलेंट देखा एंड उनकी वजह से मैं इम्प्रूव हुआ एंड उनकी वजह से मैं डांस करना शुरू किया. मैं रोता था पहले जब डांस क्लास के लिए गया था बट उन्हीं को देख के घर पे डांस शुरू किया था एंड आई एम रियली हैप्पी. मैंने रिग्रेट करता था ऐसे बीच बीच में, नॉट रिग्रेट करता था बट एक फेज आता था कि व्हेन यू मैंने आई टू हेट कि मैं क्यों डांस करता हूँ यार. मतलब सिर्फ वही एक ही चीज़ करता रहता हूँ मैं खेल नहीं पाता हूँ उसकी वजह से. सो वैसी वो थिंकिंग हो गई थी बीच में. बट देन आफ्टर ऑल जैसे जैसे बड़ा हुआ अभी भी हो रहा हूँ एंड रियलाइज़ किया कि जो मम्मी ने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था. इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. सो थैंक यू मम्मी. मेरी मॉम शी वांटेड टू डू समथिंग इन डांस. उनको लोग चाहेंगे तो एक थिंग से ज़्यादा बोले. नहीं, डांस और ड्रामा में उनको, सच बोल रही हूँ, डांस और ड्रामा में उनको बहुत इंटरेस्ट था पर फैमिली से अलाउड नहीं था. तो शी ट्राइड के वो जितना मेरे लिए कुछ कर सके तो मॉम ने किया. और शी यूज़ टू फोर्स मी टू डू भरतनाट्यम. आई डोंट नो व्हाई. मैंने बोला मम्मी मुझे ये वाला डांस सीखना है तो बच्चों फिर बाद में कैसे भी करके शी यूज़ टू टेक मी फॉर क्लासेस इधर उधर. पर मेरे को खुद को इंटरेस्ट था तो इसलिए मॉम ने पुश किया. और मतलब अभी जब बड़ी हुई थोड़ी तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी बिकॉज स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट थे. सो बट आई एम रियली हैप्पी कि अगर अभी आप क्या कर रहे हो नहीं करती तो शायद मैं डांस कभी करती ही नहीं. थैंक यू कि आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया और ये संस्कार दिए कि आज हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं अपने शोल्डर पे. बट ये सो शोल्डर पे हो सकते हैं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. सॉरी यार, सॉरी, कौन सा फ्रीज है ये? शोल्डर फ्रीज. सो या बेसिकली ये वैसे फनी वे में बोल रहा हूँ बट डेफिनेटली यू मीन अ लॉट टू मी एंड विदाउट यू जो आज है मुझे पता था ये डायलॉग ऑब्वियसली बोल सकते हैं ना. विदाउट यू आई वुड हैव नॉट बीन देयर. ऑब्वियस बात है बट यू हैव डन अ लॉट एंड होपफुली मैं भी आपको खुश करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके एंड आपको लाइफ में जितनी भी खुशी देने की जितनी आप चाहो उतनी मैं देने की कोशिश करूँगी.